हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ तीन अन्य पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसके बारे में जानेंगे। पोस्ट के नाम आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जूनियर असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट, इसके साथ सीनियर असिस्टेंट, प्रोग्राम ऑफिसर अथवा सीनियर सेक्शन ऑफिसर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रेंड्स 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो गए हैं एंड इसे भरने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वह 20 दिसंबर 2021 की है। एप्लीकेशन कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट desu.ac.in पे विजिट करके डिटेल्स को चेक करके एंड फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे भी विजिट कर सकते हैं और इस इवेंट को सर्च करके इस पेज से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और हिंदी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ीस, एनेक्शर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जैसी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दी गई हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, हर एक पोस्ट के लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो इस सेक्शन में मेंशन की गई हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए जो वेबसाइट के लिंक दी गई है वो भी आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसके लिए जो प्रोवाइडेड लिंक है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिख जाएगी। फ्रेंड्स, आप अगर किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट से रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जूनियर असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, उसके साथ साथ क्या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड की गई हैं उन वैकेंसीज में, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सभी कुछ आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा एंड हर पोस्ट के लिए सारी डिटेल्स आपको इस टेबल में दिख जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड कैंडिडेट्स को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर चेक कर लेने चाहिए। इसमें डिटेल वाइज काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें जैसे कि नहीं है एंड क्या जो स्कीम होगा एग्ज़ाम का वो सभी कुछ आपको इस सेक्शन में दिख जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी को पे करनी होगी, वही 250 की फ़ीस आपको बाकी की अदर कैटेगरीज़ को पे करना होगा। फ्रेंड्स, ये सिलेबस है एग्ज़ाम का जिसमें आप जैसे कि देख पाएंगे 1.5 आवर्स का एक एग्ज़ाम होगा जो MCQ पैटर्न पर कराया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये इस चार सेक्शंस में होंगे। जो पेपर टू होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे होगा, वो भी डेढ़ घंटे का होगा जिसमें इंग्लिश में एसे और लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो स्किल टेस्ट है उसके लिए जो एग्जामिनेशन है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अभी कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ क्वेरीज आपके मन में हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है। आप इस सेक्शन के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी फोरम पर लैंड करेंगे जिसके राइटर रिप्लाई सेक्शन में आप अपने डाउट्स या कमेंट्स कम्युनिटी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड रेगुलर बेसिस पे इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।